नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे कारोबारियों को कर में छूट। सरकार ने देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यवसायियों को कर में छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के बजट में ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। इसी के तहत ऐसे कारोबारी जो बही खाता नहीं रखते हैं उनके लिए आयकर की धारा 44AD को संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों और छोटे उद्यमियों की अनुमानित आय कुल कारोबार की 8% राशि पर कर लगेगा, लेकिन यदि कारोबार के लिए क्रेडिट कार्ड, चेक या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेनदेन किया जाता है तो उस कारोबार की मात्र 6% राशि कर योग्य होगी। इससे कारोबारियों को 30% से अधिक का कर लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 8 नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर दिया है और अब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत कार्ड से भुगतान करने वालों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं। दूसरी ओर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने नोटबंदी के बाद विभिन्न बैंकों तथा उनके कर्मचारियों के समक्ष आई दिक्कतों के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। बैंक यूनियन ने कहा कि इस आंदोलन के तहत 28 दिसंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद यूनियन ने 29 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र देंगी। यूनियन के सदस्य 2 और 3 जनवरी 2017 को भी प्रदर्शन करेंगे। उधर बिहार में नोटबंदी के खिलाफ जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार में रेल चक्का जाम आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर ट्रेनों के परिचालन को बाधित किया। पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पहुंचकर पटरी पर प्रदर्शन किया। नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। भाजपा ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में किया कांग्रेस का सफाया, 26 में से 20 सीटों पर कब्जा। मुंबई में एयर इंडिया की इमारत में भयंकर आग, 22वीं मंजिल पर लगी आग। वाराणसी में मोदी के आने से पहले 25,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को कैशलेस की ट्रेनिंग। बर्लिन के क्रिश्चियन बाजार का हमलावर ड्राइवर पाकिस्तानी नागरिक। अंकारा में अमेरिकी दूतावास के बाहर गोलीबारी, मिशन बंद। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।